हेलो नमस्कार प्रेन, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट टू परीक्षा फॉर्म कैसे भरे, सस्त बैच 2025 BA BSc BCOM का, और परीक्षा फॉर्म कैसे प्राप्त होगा, एग्ज़ाम फी और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। चूँकि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पार्ट टू का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट को रिलीज कर दिया गया है और एग्ज़ाम फॉर्म 18 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आपको परीक्षा फॉर्म किस प्रकार प्राप्त होगा और परीक्षा फॉर्म में एग्ज़ाम फी क्या लगेगा और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और परीक्षा फॉर्म कैसे भराएगा, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको तिलका मांझी का पल पल अप टू डेट मिल पाए। तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो अब आपका एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरने के लिए दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए ये एग्ज़ाम फॉर्म है। तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको ऑफलाइन प्राप्त होगा कॉलेज में। कल से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का यानी कि डेट शुरू हो गया है 18 अप्रैल से, और 30 अप्रैल तक होगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट लास्ट तक, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको कॉलेजों में ऑफलाइन मिलेंगे, तो आप इस प्रकार आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी छात्र छात्रों साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, सभी को इस प्रकार एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जो भी छात्र छात्रों एग्ज़ाम फॉर्म सबसे पहले भरेंगे तो आपको पार्ट टू में सेलेक्ट करना है, फिर सेशंस जो है आपका बैच 2025 करना होगा सेलेक्ट, फिर एग्ज़ाम फॉर्म में यानी कि एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं तो 2023 आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो भी छात्र छात्रों का नाम हिंदी में आपको देना होगा, हिंदी में छात्र छात्रों का नाम देवनागरी लिपि में, फिर कैंडिडेट नेम ब्लॉक लेटर, मतलब आपको बड़ी लेटर में, आपको बड़ी इंग्लिश लेटर में नाम अपना दर्ज करना होगा फॉर्म में, फिर आगे फादर्स हस्बैंड नेम इन ब्लॉक लेटर, मतलब बड़ी अक्षरों में देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर आपको जन्मतिथि जो भी आधार कार्ड से संबंधित जन्मतिथि आपका होना चाहिए आपको यहाँ पे फिल करना होगा, फिर आपको पंजीयन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका पार्ट वन का एडमिट कार्ड में था पंजीयन संख्या, वही आपको इसमें फिलअप करना पड़ेगा पार्ट टू फॉर्म फिलअप में, मतलब इस फिलअप आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप में, फिर आपको आधार संख्या, मतलब आधार संख्या जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा। इतना आप समझ गए होंगे। फिर आपका जो मोबाइल चालू है, मोबाइल आपको चालू नंबर को यहाँ पे दर्ज करना होगा, फिर पूर्व में पार्ट वन पार्ट टू का परीक्षा का विवरण, तो आपको पार्ट टू यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर महाविद्यालय का नाम जो भी छात्र छात्राओं जैसे महा जो मरवाड़ी कॉलेज से हैं, जो TNB कॉलेज से हैं, जो CM कॉलेज से हैं, जो भी छात्र छात्रों अपने कॉलेज से हैं, यहाँ पे आपको दर्ज ब्लॉक लेटर में करना है, फिर आपको क्रमांक में रोल नंबर दर्ज करना होगा, जो आपका पार्ट वन में रोल नंबर था वही दर्ज आपको रोल नंबर करना होगा, और परीक्षा का ईयर में आपको 2023 को सेलेक्ट करना होगा 2023। फिर आपको यहाँ यानी कि परीक्षा रिजल्ट में तो जो भी छात्र छात्रों पास है तो पास सेलेक्ट करेंगे, जो छात्रों पार्ट वन में प्रमोटेड हो गए वो प्रमोटेड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पार्ट वन में जो छात्र छात्रों प्रमोटेड हो गए हैं तो वो पार्ट टू में फॉर्म भर सकते हैं, जो छात्रों पार्ट वन में पास हैं वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं, तो यहाँ पे पास लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको जो छात्रों का ऑनर्स का सब्जेक्ट, जो जूलॉजी ऑनर्स से हैं, जो केमिस्ट्री से हैं, जो फिजिक्स से हैं, जो होम साइंस से हैं, जो BCOM का स्टूडेंट है, जो अकाउंट से ऑनर्स से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे ऑनर्स अकाउंट ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स या होम साइंस जो भी ऑनर्स से आपको सेलेक्ट करना होगा, और आपका सब्सिडी जो भी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो छात्र छात्रों RB हिंदी 100 मार्क लिए थे, जो छात्रों NHN हिंदी 50 मार्क हिंदी, 50 मार्क हिंदी इंग्लिश, तो जो भी छात्र जो लिए हैं आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद आपको एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे
लगाने के बाद अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपका ये कंप्लीट एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। फिर आपको दूसरा मिलेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा, तो एडमिट कार्ड आपको भी इस प्रकार यानी कि भरना पड़ेगा। तो ऐसे में पहले आपको पार्ट टू भरना पड़ेगा, फिर सेशंस 22-25 एग्ज़ाम 2023, फिर छात्र छात्रों का नाम आपको हिंदी में दर्ज करना होगा, फिर कैंडिडेट ने आपका बड़ी अक्षर में आपको दर्ज करना होगा, फिर आपका जो फादर्स हस्बैंड का नाम ब्लॉक लेटर में आपको एडमिट कार्ड में दर्ज करना होगा, फिर पंजीयन संख्या आपका जो पार्ट वन में है वही आपको दर्ज करना होगा, और डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार कार्ड से संबंधित हो वही आपको दर्ज करना होगा एडमिट कार्ड में, फिर मोबाइल नंबर जो आपका चालू मोबाइल नंबर है वही उसी को आपको दर्ज करना है, मतलब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपको फिर यहाँ पे सीएम जैसे महाविद्यालय का नाम जो भी कॉलेज से जो भी छात्र छात्राओं हैं जैसे मड़वारी TNB CM PBS या HDMI धुरैया जो भी कॉलेज से छात्र छात्राओं हैं आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। फिर रोल नंबर आपका जो रोल नंबर पार्ट वन में है वही आपको रोल नंबर यहाँ पे दर्ज करना होगा, और परीक्षा का वर्ष तो आपको 2023 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, भरना पड़ेगा। आशा करते हैं फिर आप समझ गए होंगे। और ऑनर्स में जो भी छात्रों का जो भी ऑनर्स है, लाइक अभी हम आपको एडमिशन फॉर्म के समय समझाए यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने संबंधित समझाएँ, तो आपको यानी कि एडमिट कार्ड में जो भी ऑनर्स है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, फिर सब्सिडी जो भी छात्रों हैं ये सेलेक्ट करना होगा। पहले मैं आपको एग्ज़ाम फॉर्म में समझा दिए हैं, और अनिवार्य सब्जेक्ट जो 100 मार्क हिंदी होते हैं, 50 मार्क हिंदी 50 मार्क इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपका एग्ज़ाम होगा जो डेट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जो सब्जेक्ट का होगा आपको ये सब्जेक्ट करना होगा, और जो पेपर होगा तो आपको पेपर का नंबर सेलेक्ट करना होगा और एंसर बुक नंबर। फिर आपका यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, जो भी छात्रों एग्ज़ाम देंगे इनका सिग्नेचर लगेगा, फिर इंडिविजुलेटर सिग्नेचर जो आपका टीचर जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन देंगे तो वही आपका सिग्नेचर करेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि परीक्षा फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है और एडमिट कार्ड आपको किस प्रकार भरना है। टोटली आप समझ गए इतना, तो अब आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप ये समझ लीजिए। तो डॉक्यूमेंट में आपका निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य है। पहला पार्ट वन का प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड, इसके बाद अंक पत्र, आपका मार्कशीट जो मिला गया है, मार्कशीट नहीं है तो आपको TR का फोटोकॉपी लेना पड़ेगा, फिर पार्ट टू का नामांकन रसीद जो आपको पार्ट टू में आप नामांकन करवाए थे वो रसीद आपका लगेगा, फिर इसके साथ आपका पासपोर्ट आकार का 2 फोटो, जैसे आपको हम अभी बताएंगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने और एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम फॉर्म और एडमिट कार्ड में आपको 2 फोटो चिपकाना होगा, इसके बाद आपको सिग्नेचर ऊपर में करना होगा, फिर ST SC छात्रों का जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जो ST SC वर्ग के छात्र छात्र हैं उनका जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगेंगे, चूँकि यूनिवर्सिटी के द्वारा फिर से यानी कि जैसे आपका एग्ज़ाम फी लेगा अगर ऊपर से आदेश आता है तो आपका एग्ज़ाम भी माफ हो जाते हैं, जो ST SC छात्र जाति के यानी कि जो जाति कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आशा करते हैं आप इतना समझ गए होंगे कि आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, और ये डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम फॉर्म और एडमिट कार्ड में सेलेक्ट करके आपको देना होगा। तो पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, फिर एडमिट कार्ड भरना है, फिर इसके बाद आपको टोटल डॉक्यूमेंट आपको पिन मार के आपको ऑफिस में जमा कर देना है, जो भी आप कॉलेज में भरेंगे, यानी कि आपका आशा करते हैं आप समझ गए होंगे आपको इतना करना है। तो एग्ज़ाम फी का बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में HDMI धुरैया कॉलेज हो गया, CM कॉलेज हो गया और DN सिंह कॉलेज हो गया, तो इसमें आपका 1200 से 1500 रुपया लगेगा, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म आपका भराएगा उसमें आपका 1200 से 1500 तक लेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का फी, और वही गवर्नमेंट जो आपका कॉलेज हो गया तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 350 से 450 रुपया तक लगेगा, जैसे आपका BN कॉलेज हो गया, सबूर कॉलेज हो गया, TNB कॉलेज हो गया, ये सब कॉलेज में आपका 350 से 450 तक रुपया आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लगेगा।
आई होप आज के वीडियो आप समझ गए होंगे। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म में भराएगा इतना ही फी लगेगा और डॉक्यूमेंट लगेगा, और एग्ज़ाम फॉर्म आपको जिस प्रकार मैं बताएं इसी प्रकार आपको भर के आपको कॉलेज के ऑफिस में टीचर को जमा दे देना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और ये जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म दिख रहा है इस प्रकार आपको कॉलेज में भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप कॉलेज में जैसे जो छात्र छात्राओं हैं जो भी कॉलेज से आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। कल से एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट शुरू हो गया है, तो कल ही से आपको सभी को इस प्रकार का एग्ज़ाम फॉर्म दे दिया जाएगा। आपको जिस प्रकार बताएं, जिस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट बताएं उसी प्रकार आपको जमा करना होगा। तो इतना आप ज़रूर करेंगे, आशा करते हैं आज की वीडियो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो समझ गए, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।